टीआरएस कॉलेज के खेल मैदान में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संभाग स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर मनोज पुष्प ने युवाओं से कहा, खूब खेलो, आगे बढ़ो और जिले का नाम रोशन करो, जिसमें रीवा की टीम हर खेल में राज्य में विजेता होकर लौटे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवा शक्ति बुराइयों से दूर रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर पढ़ाई और खेलों में आगे बढ़े। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, खेल अधिकारी एमके धौलपुरी, प्राचार्य टीआरएस कॉलेज, खेल संस्थाओं के पदाधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इनका स्वागत करें, बहुत जज्बा है सर। विक्रम हमारे जी खेलों के लिए शानदार खिलाड़ी और हमारे गौरव, हमारी शान, भैया भैया सर सर सर, उनका बढ़िया साल सम्मान होता हुआ शानदार हमारे पीछे। सर इसके बाद अब पुरस्कार वितरण के बाद मोदी रचना शाम होगा, सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाए, सभी लोग मेहनत करेंगे जिस तरह से ठीक है। इनका भी मेडल जो चला जा रहा है और मैं हम बुला लेता हूँ बिल्कुल, हमारे जो सबसे लोकप्रिय होंगे कौन सा है, सबसे लोकप्रिय थे तैयार रहेंगे जो थर्ड नंबर पर है, फुटबॉल बालिका प्रतीक शिवरानी। सब बैठ जाएंगे, सामने आइए तो फिर बैठ जाइए, आपकी सुंदर सी फोटो आएगी, बढ़िया जो है होगा, पुरस्कार भी दिखेगा सर। और सीओ साहब, मैडम प्रिंसिपल, पूरी टीम, बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ मुख्यमंत्री कप का और पूरे जिले में इसका आयोजन जितनी खूबसूरती से किया उसके लिए मैं खेल विभाग के सभी लोगों को और सभी आयोजकों को, शिक्षा विभाग के लोगों को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूँ। जो बच्चे संभाग से जीत के जा रहे हैं राज्य खेलने के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जब जिले के भीतर ये प्रतियोगिताएं हो रही थी, संभाग के भीतर ये प्रतियोगिताएं हो रही थी तो कोई भी जीते उसका फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब राज्य में जा रहे हैं तो केवल और केवल रीवा संभाग जीत के आएगा, इसकी आप सबको शुभकामनाएं और आप सभी जीत के आएंगे। अभी हमको बता रहे थे कि जो खेलो इंडिया की टीम है उसमें कबड्डी में रीवा के 4 बच्चे हैं, इसलिए कि आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि रीवा हमेशा से खेल में आगे रहा है और जो खेल में आगे रहता है वो जीवन में आगे रहता है, क्योंकि खेल जो सबसे ज्यादा अपने को सिखाता है ये सिखाता है कि अनिश्चितता को कैसे हैंडल करना है, हारने के बाद फिर अगले दिन खेलने के लिए कैसे खड़े होना है, जीतने के लिए कैसे खड़े होना है, क्योंकि जीवन में अनिश्चितता है और जो खेलता है वो सुबह हारता है, शाम में जीतता है, फिर अगले दिन हारता है, फिर शाम में जीतता है, तो हम जीतने के लिए लगातार जीवन के हर मोर्चे पे सफल रहे। खेलो इंडिया का आयोजन हो रहा है देश के इस स्पोर्ट्स मीट का मध्य प्रदेश में, इसके लिए भी सभी खेल प्रेमियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं और आनंद उत्सव का जो माहौल है पूरे 14 तारीख से 28 तारीख से भी, वो भी एक अच्छी फिलॉसफी हम सभी को देता है कि तमाम समस्याएं, परेशानियां, कठिनाइयों के बावजूद जब तक जीवन है तब तक जीवन का मूल मंत्र है कि आनंद में रहो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आपके बैंक अकाउंट से आपकी जिंदगी की सांसें कम हो रही है, आप रो के जियो तो भी, हंस के जियो तो भी,
तो आनंद उत्सव में ये संदेश है, खेलो इंडिया में ये संदेश है, मुख्यमंत्री कप में ये संदेश है कि आनंद से जियो, खुश रह के जियो, हारते हुए भी खुश रहो, जीतते हुए भी खुश रहो, स्वस्थ रहो, खूब खेलो और मस्त रहो। थैंक यू बच्चों, अपने लिए आपने हम बच्ची आपके किसी प्रोग्राम में आते हैं तो हमें डबल खुशी लगती है। डबल क्यों? एक तो अपने जिले के बच्चे आगे बढ़ते हुए देखने में अच्छा लगता है, अपने जिले के बच्चे फिट हैं, अपने जिले के बच्चे खेलने में इतना रुचि ले रहे हैं, उत्साह भर रहे हैं। दूसरा उसके साथ साथ कि ये जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं ये कम से कम खुद नशों से दूर रहेंगे और अपने साथियों को भी नशे से दूर रखने की सलाह देंगे। ये नशा करेंगे तो फिर फिट नहीं रह पाएंगे, मैं सही बोल रहा हूँ ना? इसलिए आप सभी लोगों से मिलकर इसलिए हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। दूसरा कि अभी जैसे पता पड़ा, बता रहे थे हमारे मंच संचालक महोदय कि आप में से कुछ बच्चे भोपाल जाने वाले हैं, तो हम आशा करते हैं कि जब आपसे दोबारा मुलाकात हो तो भोपाल में भी रीवा का नाम रोशन करके आप लोग इस प्रकार हमारे जिला की पूरा खेल विभाग की टीम इतना बेहतर काम कर रही है तो मैं चाहता हूँ खेल विभाग की टीम के लिए आपने बेहतर कार्य लगाइए और कम समय में बहुत अच्छे से सारे कार्यक्रम उन्हें आयोजित करते हैं और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का उनका प्रयास रहता है। तो मैं सभी को पुनः शुभकामनाएं देते हुए बात समाप्त कर रहे हैं।